साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। दिल्ली में कचरे पर बीजेपी आपका प्रदर्शन, गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे केजरीवाल, बोली भाजपा ने कूड़े के 3 पहाड़ दिए। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली कराने का अंतिम नोटिस, पीडीपी अध्यक्ष को 15 नवंबर तक छोड़ना होगा फेयर व्यू रेजिडेंस। प्रशांत किशोर को 6 मुख्यमंत्री कर रहे हैं फंडिंग, को खुद प्रशांत किशोर ने बताया पूरा हो रहा है उनका मिशन। विजन 2047 के गृह मंत्रियों का होगा चिंतन शिविर, साइबर अपराध और आधुनिकीकरण पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, सरकारी आवास पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप। अलीगढ़ में इंसानियत हुई शर्मसार, मासूम बच्चे के साथ युवक ने की शर्मनाक हरकत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरैया में मंदिर से रंगदारी न मिलने पर युवक ने महंत पर किया चाकू से हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस के हत्थे चढ़ा जहर खुरानी के सदस्य। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, मिर्जापुर के विंध्याचल दर्शन को जा रहे थे श्रद्धालु, हादसे में बच्ची समेत 5 लोगों की मौत। गाजीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, बोली जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ईरान की शिया मस्जिद में गोलीबारी, 15 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल, आईएसआई आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। मस्क सिंह लेकर ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचे, अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदल का ट्वीट ट्वीट किया। रूस ने शुरू किया एडमिरल ड्रिल, पुतिन की मौजूदगी में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, तीनों सेनाएं अलर्ट पर। वेटिकन के सर्वोच्च धर्म गुरु पोप फ्रांसिस ने कबूला सच, बोले नन और प्रिस्ट भी इंटरनेट पर पोर्न देखते हैं। मुश्किल में पाक सरकार, इमरान पर लॉन्ग मार्च रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, इमरान खान बोले मेरे साथ जिहाद में शामिल हो मुल्क। साउथ अफ्रीका की बड़ी जीत, बांग्लादेश को 104 रनों से हराया, इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत। रूसों ने जमाया वर्ल्ड कप का पहला शतक बांग्लादेश के खिलाफ, 56 बॉल पर बना 109 रन, बांग्लादेश 101 रन पर ढेर। आयरलैंड से हारने पर इंग्लैंड की ओर किरकिरी, अनुभवी भारतीय क्रिकेटर अमित मिश्रा ने कहा भारी जीत के लिए क्रिकेट आयरलैंड को बधाई। टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर शोएब अख्तर ने की भविष्यवाणी का, भारत पाकिस्तान के बीच होगा फाइनल मुकाबला। यूएफए चैंपियंस लीग में अजाक्स को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंचे लिवरपूल, बार्सिलोना और एटलेटिको दौड़ से बाहर। झलक दिखला जा के जजेस पर भड़के शिल्पा संदे, वीडियो शेयर कर करण जौहर से पूछा क्या आप ऑस्कर देने वाले हो। नहीं रहे डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ, 62 साल की उम्र में हुआ निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सारा अली खान का डांस वीडियो हुआ वायरल, समंदर में नहा के गाने पर किए बेहतरीन डांस मूव्स, फैंस बोले एकदम फायर।
कांतारा देखकर खुद को रोक नहीं पाए रजनीकांत, सोशल मीडिया पर की तारीफ, लिखा फिल्म देखकर रोंगटे खड़े हो गए। तापसी पन्नू को फिर आए गुस्सा, पेपरोजी को लगाई फटकार, बोली ऐसा मत करो, ट्रोलर्स ने जया बच्चन से किया कंपेयर। फिलहाल के लिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प